यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं। अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। जब आप वनवास में थे तब भ्राता भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। शोकाकुल माताओं को अश्रु बहाते हुए, भाभी माओं को वियोग के दुख में घुलते हुए इस सुनसान राजमहल में मैंने अकेले देखा है। अब एक बार फिर से मैं वो कष्ट सह नहीं कर सकता। भैया, पिछली बार तो हनुमान ने मुझे अपने प्राण त्यागने से रोक लिया, किंतु इस बार मुझे हनुमान भी नहीं रोक पाएंगे। भैया, इस बार हनुमान जी भरत भैया को तो क्या, मुझे भी नहीं रोक पाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम के भूलोक त्यागने का संयोग उत्पन्न तो कर दिया है, किंतु उन्हें और उनके भ्राताओं को इस स्थिति में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। मनुष्य हो या ईश्वर, धर्म का पालन तो किसी के लिए भी सरल नहीं। धर्म के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर त्याग करना पड़ता है, किंतु जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं वही संसार के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पूजनीय बनता है। ऋषिवर दुर्वासा को सकुशल उनके आश्रम पहुंचाकर मैंने प्रभु का कार्य तो कर दिया, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या उसका संबंध ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहे गए वचनों से तो नहीं? अनायास ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। कदाचित प्रभु के दर्शन पाकर ही मेरा चित्त शांत होगा। हमें जो भी निर्णय लेना है हनुमान के यहाँ पहुंचने के पूर्व ही लेना, क्योंकि अब वो आते ही होंगे। भारत, एक राजा विहीन राज्य तो पिता विहीन परिवार के समान होता है। मेरे और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें राजा नियुक्त कर शत्रुघ्न को राजकाज में तुम्हारी सहायता के लिए छोड़कर जाने का इच्छुक हूं। भैया, कृपया ऐसा ना करें। आप जो भी निर्णय ले हमें अपने साथ, आपके बिना तो प्राणविहीन हो जाएंगे। भैया, हम राजधर्म नहीं निभा सकेंगे। अब आप ही बताइए भैया, प्राण विहीन होकर जब हम एक दूसरे का ध्यान रखने में अक्षम रहेंगे तो राज्य का कार्यभार कैसे संभाल पाएंगे? इससे उत्तम तो यही होगा भैया कि आपकी आज्ञा ना मानने के दंड स्वरूप लक्ष्मण के समान हम दोनों को भी मृत्यु दंड दे दीजिए। आपकी असीम वेदना का भान है मुझे, किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके बिना भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी नहीं रह सकेंगे। मैं तो स्वयं आपके बिना नहीं रह सकता भैया, और सत्य तो यह है कि हम में से कोई भी नहीं
जो अपने आप को इस राज सिंहासन के योग्य समझे, इस पर आपके सिवा यदि कोई स्थित हो सकता है तो वो आप ही के स्वरूप है भैया। अब इस राज सिंहासन पर लवकुश का अधिकार। मेरी भी यही मान्यता है भैया, आपके पुत्र योग्य है, पराक्रमी है, युद्ध भूमि में उन दोनों के पराक्रम के हम साक्षी। बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब में परिपूर्ण है वे। आपके बाद यदि सिंहासन पर कोई बैठने योग्य है तो केवल वही है भैया। नारायण नारायण, प्रभु और उनके भ्राता तो विचार विमर्श में खोए हैं। समय बीतता जा रहा है, कहीं इस बीच हनुमान लौटकर उनकी वार्तालाप ना सुन ले, उन्हें ज्ञात ना हो जाए कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। अन्यथा वही होगा जिसका भय हमें नहीं स्वयं प्रभु श्री राम को भी था। देवर्षि नारद, हनुमान को जितना मैं समझता हूँ उसके अनुसार तो प्रभु के भूलोक त्यागने का विचार सुनकर वो प्रभु प्रेम में बह जाएंगे, और ऋषि दुर्वासा की बात तो क्या, वो सब कुछ भुला बैठेंगे। क्योंकि जब वो गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे और यमराज ने ब्रह्मदेव का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाया था, तब उनके आभास मात्र से हनुमान की क्या स्थिति हुई थी, वो हम सब में से किसी से छिपी नहीं है। अब जब हम सब ने निश्चय कर ही लिया है तो हमें लवकुश के राज्य अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। लवकुश को ही अयोध्या का आधा आधा राज्य सौंपकर हम चारों भ्राता एक साथ सरयों के पावन जल में जल समाधि लेंगे। अवश्य सब कुछ सुन लिया है, अब क्या होगा, क्या करेंगे हनुमान? अपने इस भोले भक्त हनुमान को मैं कैसे समझा सकूंगा? प्रभु, मैं ऋषि दुर्वासा जी को उनके आश्रम छोड़कर आ गया। किंतु प्रभु, जब मैं लौटा तो आप सब लोग इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके निवारण के लिए आप सभी यहां इतनी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे? हनुमान जी, हम तो बस लवकुश के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। जिनके भविष्य के विषय में हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, क्या आप उन्हें यहाँ ढूंढ के ला सकते हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, उन दोनों के साथ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है।
लक्ष्मण भैया, मैं अभी गया और उन दोनों को लेकर अभी आया। हमारा संपूर्ण परिवार हनुमान का ऋणी है। उससे ये बात अधिक समय तक छिपाना उचित नहीं है कि हम चारों भ्राता इस संसार का परित्याग करने वाले हैं। अभी तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो अवश्य होगा। तब एक साथ दुखों का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उन पर। अब जब हम निर्णय ले ही चुके हैं, तो आप तीनों लव कुश को समझाकर उन्हें उनके राज्य अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। मैं हनुमान को बताने का, उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो धैर्यपूर्वक मेरा जाना स्वीकार कर सके। यह संभव कार्य केवल एक ही स्थान पर संभव हो सकता है। मैं हनुमान को वहीं लेकर जाऊंगा। कहां हैं ये दोनों? कहीं लक्ष्मण भैया ने मुझे वहां से हटाने के लिए तो लवकुश को ढूंढने के लिए नहीं भेज दिया? चारों भ्राता लवकुश के भविष्य के लिए इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु ने तो यही कहा था कि वो उन दोनों के विषय में ही बात कर रहे थे। कहीं कहीं प्रभु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? यहां मेरा पीछा कौन कर रहा है? अवश्य ये तो लवकुश ही हैं। हनुमान जी, हमें आपके साथ बहुत आनंद आता है। आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। मैं वचन देता हूँ, कभी भी तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तुम दोनों को प्रभु श्री राम ने बुलाया है, शीघ्र चलो मेरे साथ। पिताश्री ने बुलाया है, किंतु क्यों? कोई विशेष कारण है क्या हनुमान जी? मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि तुम दोनों के भविष्य के बारे में प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। चलो चलो राजभवन चलो। जी हनुमान जी। पिताश्री। ये लीजिए प्रभु, मैं ले आया लवकुश को। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताश्री, बताइए आपने हमें किस लिए बुलाया है? किसी शत्रु को पराजित करना है क्या? हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं पुत्र, ये तो एक पिता का अनुरोध मात्र है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगे, उसे टालोगे नहीं। पिताश्री, आपका अनुरोध भी हमारे लिए आज्ञा समान ही तो है, और आपके आदेश का पालन करना तो पुत्र धर्म ही नहीं राजधर्म भी है। आप आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो कार्य देंगे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे काकाश्री बताएंगे पुत्र। मुझे अभी एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है। हनुमान,
मुझे अभी अभी आभास हुआ है कि मुझे गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर स्थित वृषकपी तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? प्रभु, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र, तुम्हारे काकाश्री तुम्हें जो भी कहें, तुम्हारा उसे गंभीरता पूर्वक सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को बताने के लिए उचित स्थान चुना है। वृष कापी तीर्थ जाकर कदाचित हनुमान अपने अस्तित्व का गूढ़ रहस्य भली भांति समझ सके। हनुमान के हृदय को भेदने वाला जो समाचार मैं उन्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी से तैयार करना चाहिए, अन्यथा एकाएक सुनकर कदाचित वो सहन ना कर सके। किंतु मैं बताना प्रारंभ भी करूं तो कैसे? हनुमान, तुम तो मेरे वो भोले भक्त हो जिसने मेरे प्राण बनकर पग पग पर मेरा साथ दिया। अपने प्राण छोड़ने के साथ तुम्हारा साथ छोड़ने का भी समय आ गया है। ये कैसे बताऊं तुम्हें? किन शब्दों में किस विध बोले, कैसे प्रभु मन भक्त का तोड़े। निश्चित वैकुंठ धाम को जाना, किंतु सो को कहे हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। भरत लखन शत्रुघ्न भाई, लव कुश को कछु बोल न पाई। साहस कर जब हूँ कह दीना, छल के किशोर नयन सुनीरा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय जय प्रभु, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु पूर्व में भी कभी आया हूँ, किंतु कब और क्यों उसका स्मरण नहीं है मुझे। इन दोनों महान नदियों गोदावरी और फेना के इस अद्भुत संगम को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उस घटना का आज की हमारी इस यात्रा से बहुत गहरा संबंध हो। प्रभु, प्रभु बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे, प्रभु बताइए ना। हनुमान, तुम्हें जो आभास हो रहा है वो उचित है। दोनों घटनाएं वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। हनुमान, ये वृषकपी तीर्थ है, मैं इसकी संपूर्ण कथा तुम्हें नीचे उतरने पर सुनाऊंगा, संभव है तब तुम्हें समझ में आ जाए।
हनुमान, जैसा तुम्हें ज्ञात है ये गोदावरी एवं पेना नदियों का पावन संगम है। तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। दुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, इसलिए जो भी निर्णय हो अपनों को अवश्य बता देना चाहिए।